मेम साहब सो रही है, अच्छी तरह देखो। ये है इसका सोने का स्टाइल। तो फाइनली मैंने रूल तोड़ दिया है। अभी कैसा रूल तोड़ा, कौन सा रूल तोड़ा, आप लोग को मालूम नहीं है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग द रूल इन एनीथिंग यू आर क्रिएटिंग और यू आर मेकिंग और यू वांट टू अचीव। और यही सेम चीज़ मुझे समझ में ना रहा था, ना कोई समझाता है YouTube में, ना कोई बताता है, बिकॉज दिस आर द सीक्रेट्स ऑफ बिकमिंग परफेक्ट और बिकमिंग और अचीविंग व्हाट यू एक्चुअली डिज़ायर टू अचीव। मैं पिछले 6 महीने से या 1 साल से, आई थिंक इट्स मोर देन अ ईयर, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं अपने इमेजेस को, मेरे वीडियोस को कैसे अच्छा बनाऊँ और कैसे अच्छा क्वालिटी में लेके आऊँ। मैं हमेशा वही रूल ऑफ थर्ड, मैं हमेशा वही क्या बोलते हैं 360 डिग्री रूल, मतलब अगर मैं फ्रेम रेट 24 फ्रेम्स पर रखूँगा तो शटर स्पीड उसका डबल होना चाहिए, ये सेम चीज़ पे कर रहा था, बिकॉज एवरीबडी ऑन यूट्यूब इज टीचिंग यू लाइक दैट। इसलिए बोला जाता है कि यार आपको एक मास्टर होना चाहिए, नहीं तो यू हैव टू लर्न बाय योर सेल्फ। तो मैं आज फाइनली मेरे जो 4K वीडियोस है उसको कैसे अच्छी तरीके से मैं उसको अचीव कर सकता हूँ विदाउट एनी नॉइस, मैं खुद फाइंड आउट किया आज। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जितना कम ISO रहता है आपका, आपका क्लिप्स उतना अच्छा रहता है। तो फाइनली मैं अभी मेरा जो है ये 200 ISO में है, मेरा फ्रेम पर सेकंड जो है दैट्स 24 फ्रेम्स पर सेकंड, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं चेंज किया। अगर आपका FPS जो है फ्रेम्स पर सेकंड 24 है तो शटर स्पीड 50 होना चाहिए, नहीं तो 48 होना चाहिए, सो दैट यू कैन हैव दैट नेचुरल ब्लर लुक। लेकिन मैंने उसको चेंज करके 25 कर दिया, अभी 1/50 के बदले 1/25 कर दिया। क्यों नहीं कर सकता, वाई कांट वी डू इट? If I'm not moving much, I'm not into fast moving action, why can't I change it? Because I'm sitting down and talking to you guys inside my home where there is not much light. Right now, mera exposure bhi sahi hai, sab kuch sahi hai, everything is perfect and there is no noise. It's very less noise because Osmo Pocket 2 ka sabse kam ISO jo hai, that's 100. Aur abhi main jo hai 200 mein record kar raha hoon. Abhi main aapko jo mere purane clips dekhe honge apne 4K mein jo record kiya hai, that was over 800 ISO में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई कोई तो 1600 ISO में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कीप माई शटर स्पीड 1/50। मुझे बस यही एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि वाई डोंट पीपल टेल अस ऑन यूट्यूब इफ समबडी एवरीबडी इज मेकिंग हाई प्रोफाइल, हाई कलर ग्रेडेड और हाईली हाई क्वालिटी के वीडियोज़ बना रहे हैं, वो लोग लो लाइट में भी हो सकता है बहुत लोग लाइट्स वाइज डाल रहे हो, लेकिन आई एम अ व्लॉगर। अभी व्लॉगिंग में क्या, मैं लाइट थोड़ी लेके घूमूंगा अपने साथ, जो घर का लाइट है उसके अंदर मैं कैसे शूट करूँ, कैसे मैं व्लॉग्स बनाऊँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट टू इन अ वेरी गुड क्वालिटी। बहुत ढूंढा बट आई हैव नेवर फाउंड वन वीडियो वेयर पीपल आर टेलिंग दैट इट्स ओके टू यूज 1/25 शटर स्पीड। इट्स ओके इफ यू आर नॉट अ मूविंग सब्जेक्ट मच, सो व्हाई डोंट यू यूज इट? तो अभी आप जो देख रहे हो मेरे घर के अंदर, आई नो मेरा घर पूरा जो है उतना खास लाइटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आई स्टिल कैन अचीव गुड क्वालिटी ऑफ इमेज। आई डोंट हैव सोनी अल्फा कैमराज, आई डोंट हैव यू नो लो लाइट फुल फ्रेम कैमराज, जो भी है जो मेरे पास है उसमें से ही आप अचीव क्यों नहीं कर सकते? इसमें 1.8 अपर्चर है और इट कैन गो अप टू ISO 6400, विच आई डोंट वॉन्ट टू यूज़। आई वॉन्ट टू यूज़ वेरी गुड पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी वेयर आई कैन शो इट टू माई व्यूअर्स कि भाई इसका क्वालिटी मस्त है, तो जब वो आएंगे वो देखेंगे भाई वाह हाँ इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसका क्वालिटी जो है वीडियो का इट्स क्लीन, इट्स देर इज नो नॉइज इन दैट, यू नो इट्स नॉट शेकी इमेजेस, इट्स नॉट दिस, इट्स नॉट दैट। सो टुडे मैं डिसाइड कर लिया कि भाई घर के अंदर जो है आई विल रिकॉर्ड ओवर 1/25 जो है मेरा शटर स्पीड रहेगा और FPS जो होगा 24 FPS होगा, वाई नॉट, आई एम ब्रेकिंग द रूल। वैसे एक्चुअली रूल ही नहीं होता है क्योंकि हम लोग म्यूजिक में रूल चेंज करते हैं, कभी कभी हम लोग डेड नोट लेके आते हैं बीच में, सो दैट वो इमोशन या फीलिंग के लिए वी हैव टू डू इट, वी डू चेंज द रूल इन म्यूजिक, देर इज नो रूल, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन म्यूजिक ऑल्सो।
तो वाई नॉट इन दिस। तो आर्ट के लिए जो टैलेंट होता है, जो कला होता है, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। अभी हो गया अगला दिन, यामिन को स्कूल छोड़ के आ गया, अभी लंच का तैयारी कर रहा हूँ मैं। खाना गर्म कर रहा था भाई, दोपहर का खाना खाना है। सिंपल खाना अपना, मुझे दाल जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत पसंद है, और रोटी तो दिल्ली वाले भाई तो रोटी तो पसंद ही होना चाहिए आपको। और कल थोड़ा चिकन बनाया था पैम ने, तो वही जो है ख़त्म करने का है। कल मैं दो नया चीज़ सीखा, एक तो मैंने आपको बता दिया, और एक नया चीज़ सीखा जो है एसटी कार्ड के ऊपर, वो मैं आपको खाने के बाद बताता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। तो हाँ, मैं बता रहा था आपको, ये जो एसडी कार्ड्स है ना, ये एसडी कार्ड्स में एक खासियत है, स्पेशली आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो बहुत कुछ चीज़ें ध्यान देना पड़ता है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा जो वीडियो है हमेशा 4K में बनाऊँ, क्योंकि डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गया टाइम के हिसाब से। पहले एक ज़माने में था कि 4K बहुत ये होता था बिकॉज नेट का स्पीड नहीं होता था और ऐसे ऐसे बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन आजकल नेट का स्पीड बहुत काफ़ी अच्छा होने लग गया और 4K बहुत आसानी से चलने भी लग गया। तो ये जो कार्ड्स है, इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, ये 3 और 10, और ऊपर और भी कुछ होता है जैसे V30, V60, V90। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है V30, ठीक है, हर कार्ड में नहीं रहता, बहुत कम कार्ड में रहता है जैसे V30 लिखा हुआ है, V60 लिखा हुआ है, और Class 1, और यू नो एक बकेट के अंदर Number 1, Number 3 ऐसा सब लिखा रहता है। अब ये क्या चीज़ है, मैं पहले जब ये रिकॉर्ड कर रहा था, अभी जो 4K रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले मैं नॉर्मल एक एसडी कार्ड में रिकॉर्ड करता था, और मैंने सोचा यार मैं भी 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा क्वालिटी इतना कम क्यों आ रहा है, और मेरा कैमरा क्यों रुक रहा है बीच में, एरर्स क्यों आ रहा है मेरे को, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें। अब ये सब चीज़ें बहुत सारे लोग हैं बताते नहीं है यूट्यूब में, लेकिन फाइनली हमने भी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है। तो सैनडिस्क का जो है, या एसडी कार्ड जो कंपनी है, उनके HDFC जो कंपनी है, उसके वेबसाइट में जाएगा तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा, कौन कौन सा कार्ड आपको कैसे चाहिए, क्यों खरीदने का है। अभी देखिए, ऐसा वाला जो 4K रिकॉर्डिंग वाला कार्ड रहता है, वो सब थोड़ा महंगा आता है, लेकिन उसका फ़ायदा भी होता है। तो अभी आप पूछेंगे फ़ायदा क्या है इसमें, अरे फ़ायदा ये है कि आपका क्वालिटी और अच्छा हो जाएगा, बिकॉज जितना आपका रीड और राइट स्पीड रहता है, उसका मतलब होता है उसमें जो लिखा हुआ है, जो Class 3, Class 10, Class 1, और जो SD कार्ड का जो XC, यू नो ऐसे सब चीज़ें, बहुत जो इन्फॉर्मेशन उसमें लिखा हुआ है, जो लोगोज जैसे बने हुए हैं, वो सब एक्चुअली आपका रीड एंड राइट स्पीड का इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको 4K रिकॉर्डिंग करना है, या 4K के ऊपर 8K रिकॉर्डिंग करना है, तो V90 यूज़ करना पड़ेगा आपको, V60, V30 में रिकॉर्ड करके फ़ायदा, V60 में रिकॉर्ड करके, V30 में रिकॉर्ड करके फ़ायदा नहीं है, या नॉर्मल SD कार्ड में रिकॉर्ड करके फ़ायदा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें एक और चीज़ फ़ायदा क्या है कि आपका पैसा भी बचा सकते हो। अभी मेरे पास ये कैमरा है, ये देखिए, यह है कैनन G7X Mark II, यह बहुत पुराना कैमरा, और इसमें 4K हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आप ये ज़रा सोचिए, मैं इसमें कौन सा यूज़ कर रहा था, मैं इसमें यूज़ कर रहा था ये 128GB वाला V30 Class 3 और 10 का जो है SD कार्ड, जो मुझे बहुत महंगा पड़ा, ये 70, 80 या 90 दिरहम का आता है, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं था मुझे उस कार्ड के लिए। उसके लिए मैं नॉर्मल एक 25 दिरहम वाला कार्ड भी यूज़ कर सकता था, बिकॉज इसमें सिर्फ फुल HD रिकॉर्ड होता है। अभी देखिए, मेरा एक्स्ट्रा 100 दिरहम या 70 दिरहम मुझे एक्स्ट्रा खर्च करने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन था ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। अभी यूट्यूब में जब हम रिकॉर्ड करते हैं, अभी
अब जब यूट्यूब पर हम लोग देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, ट्यूटोरियल्स देखते हैं, यार ये लोग सेटिंग वेटिंग बताते हैं, तो मेन बेस चीज़ है वो कोई किसी ने नहीं बताया। ये मुझे तब पता चला जब मैंने देखा कि मेरे ही कार्ड में, सॉरी मेरे ही कैमरा में इतना एरर्स आने लग गया और क्वालिटी नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा यार कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तो मैं गलत कर बैठ रहा हूँ मैं। तो अब देखिए आप मेरा क्वालिटी, अब मेरा कार्ड भी सही है, मैंने जो रूल ऑफ जो रूल होता है वीडियोग्राफी का वो भी तोड़ दिया मैंने, लेकिन फिर भी क्वालिटी तो क्वालिटी है भाई, है कि नहीं। अभी मैं इसी में ही रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा, अगले दो तीन वीडियो आएंगे, अगर मैं टेस्ट करके देखूँगा हाँ भाई ये सही है तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या रिकॉर्ड करने में से। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग है बेसिकली आपको, आप लोगों को इतना बताना चाहता था कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता था, और आप लोग को भी पता चले भाई अगर आप कल व्लॉगिंग करना चाहते हो या वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना चाहते हो, कैसे टाइप फोटोग्राफी कैसे टाइप वीडियोग्राफी है, तो थोड़ा तो आइडिया आपको भी मिलेगा ना कि भाई हाँ भाई ये सब इन्फॉर्मेशन होता है, और इन्फॉर्मेशन हमेशा अपने पास रखना अच्छा ही होता है, बिकॉज कल के लिए हमारे लिए फ़ायदा भी कर सकता है, कोई नुकसान नहीं करना। तो दोस्तों होपफुली ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया रहेगा, आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, मिलता है छोटी सी ब्रेक के बाद। प्लीज़ सब्सक्राइब मत करना, लाइक मत करना और कमेंट भी मत करना, क्योंकि बहुत सारे, अभी तो मेरा नया चैनल है डेफिनेटली मुझे मालूम है, बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे जा रहे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो हमारे वीडियोज़ एक्चुअली सब्सक्राइब करके किया हुआ है और कमेंट भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, धन्यवाद।